नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। भारत एशिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़कर पहली बार यह मुकाम हासिल किया है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत से ऊपर चीन और पहले स्थान पर अमेरिका है। पाकिस्तान 16वें स्थान पर है, जबकि रूस को 6वां स्थान मिला है। ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने अच्छी छलांग लगाई है। राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, पीओके से जो रिफ्यूजी आए उनसे मनमोहन सिंह ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने तुरंत गलती को सुधारते हुए कहा, सॉरी, जो कश्मीरी पंडित आए उनसे मनमोहन सिंह ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ है और उसका असली चेहरा आरक्षण विरोधी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उसने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने आज आदेश पारित किया है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत के पास दुनिया की समस्याओं का जवाब है। उन्होंने कहा कि देश की प्राचीन परंपरा मजबूती से विविधता और किसी को भी खारिज नहीं करने के भाव में विश्वास करती है। भागवत ने कहा कि जब भारत का उदय होगा डगमगाती हुई दुनिया को, तब रास्ता मिल जाएगा। बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस के मुख्य आरोपी ने उड़ीसा के भद्रक जिले के गांव में बुधवार दोपहर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। उसका शव एक पेड़ पर लटकता हुआ मिला। उसकी बाइक भी वहीं खड़ी मिली। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसने महालक्ष्मी के मर्डर की बात कबूली है। भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी। यह मिशन 4 साल का होगा। वीनस यानी शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर दूर है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली की। उन्होंने चेनानी और उधमपुर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अब्दुल्ला और नेहरू ही हैं जो जम्मू और कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। जबलपुर में विवादित स्थल पर बनी मस्जिद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता बड़ी संख्या में व्हीकल फैक्ट्री के पास स्थित मड़ई क्षेत्र पहुंचे, जहां जबरन मस्जिद के पास जाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस बल ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस को चेतावनी दी है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नए टीआई साहब ध्यान रखना जरा, मैं नशे के बहुत खिलाफ हूँ। ये नशा करने वाले लोगों को उल्टा लटका देना, नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए। तेज बारिश के सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश एक बार फिर तरबतर हो गया है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे के बाद भोपाल इंदौर में तेज बारिश हुई। बालाघाट और सागर में भी सुबह पानी गिरा। आज जबलपुर सागर समेत 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। उज्जैन में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभरात्रि।